पति परदेश से चिट्ठी लिखता है अपने घर वाले को। अब पत्नी को किस प्रकार प्रेम से संबोधित करेगा, मेरी प्यारी, या जैसे भी वो लिखता है। सारी चिट्ठी लिखता है पति को, प्रेम भरी चिट्ठी लिखता है अपने घर वाले को पति। चिट्ठी आती है, घरवाली अनपढ़ है, पढ़ना नहीं जानती, पड़ोस के पास जाती है और वहाँ कहती है कि ये चिट्ठी पढ़ के सुना दो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, मुझे पढ़ना नहीं आता। वहाँ का जो पड़ोसी में जो आदमी रहता है वो चिट्ठी पढ़ता है कि मेरी प्यारी, वो आगे हुंगारा भरती, हाँ जी हाँ, वो सुन रही है, वो पढ़ रहा है। लिखी पति नहीं है, पढ़ के ये सुना रहा है। मेरे ध्यान से मेरे पॉइंट को समझने की कोशिश करना, अगर ये पॉइंट समझ में आ गया ना, गुरु की मेहर हो जाएगी। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, आप पर भी मुझ पर भी। पति चिट्ठी लिखता है प्रेम भरी, पड़ोसी पढ़ के सुना रहा है, घरवाली सुन रही है, संबोधित कर रहा है उसका पति, पढ़ के सुना रहा है पड़ोसी। मेरी प्यारी, मेरी दुलारी, जैसे भी पति अपनी पत्नी को पुकारता है वैसी चिट्ठी लिखी, वैसे वो पढ़ के सुना रहे, पत्नी आगे हुंगारा भर रही, हाँ सुन रही है। चिट्ठी खत्म हो गई, अब पड़ोसी कहते कि मैं तेरा पति हूँ। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, क्योंकि मैं तुझे मेरी प्यारी कह रहा हूँ, तू आगे से हाँ कह रही है। ये बात कहाँ तक जायज है? प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। अब चिट्ठी पढ़ के सुनाने वाले पति कैसे हो गया? संदेश तो पति का था ना, वो नहीं हो सकता ना। सारे बोली हो सकता है, नहीं हो सकता। वो चिट्ठी पढ़ के सुना रहा है। अगर चिट्ठी पढ़ के सुनाने वाला कहे कि मैं तेरा पति हूं, तो उससे बड़ा कोई कुकर्म ही नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। गुरु नानक की बाणी पढ़ के सुनाने वाला, स्टेज पर बैठकर गुरु नानक की बाणी पढ़ के सुनाने वाला आपसे कहे कि मैं गुरु हूं, तो उसके जैसा कोई मूर्ख नहीं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उसके जैसा कोई ठग नहीं, उसके जैसा कोई कपटी नहीं। उपदेश संदेश गुरु नानक का सुना रहा हूं मैं, और आप लोग कहो कि भाई साहब आप हमारे गुरु हो। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। आप भी गलत हो और मुझे भी गलत बना दोगे। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु पूर्णिमा है तो हमारे गुरु हैं धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। ये बात मन में बसा लो, जो भी मैं नहीं, चाहे कोई भी हो, अगर बाणी पढ़कर सुना कर रहा है, उपदेश दे रहा है आपको, कोई गीता के अर्थ पढ़ के सुनाता हो, संदेश किसका है? कृष्ण जी का। कोई रामायण के अर्थ पढ़ के सुनाता हो, संदेश किसका है? राम जी का। जुड़ना किससे है? कृष्ण जी से, राम जी से। असल में उससे भी गहरी बात है, उससे भी गहरी। अगर गुरु की खुशी लेनी है तो रामायण का संदेश सुनकर जुड़ना रामायण से था। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। कृष्ण जी का संदेश गीता थी, जुड़ना गीता से था। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। ज्ञान से जुड़ना था, जो वो कह रहे हैं वो करना था। हम वो नहीं करते, जो कह रहे हैं उसे मानने लग जाते हैं, उसे पूजने लग जाते हैं। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। हाथ जोड़कर बेनती है, कोई मुझे ये ना कहे कि आप भाई साहब आप हमारे, कई कमेंट्स पढ़ता है ना दास, तो वहाँ पे लिखा होता है आप हमारे गुरु हैं, आपने हमें जोड़ा है। मैं बाणी पढ़ के सुना रहा हूँ, चिट्ठी पढ़ के सुना रहा हूँ। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। किसी ने महापुरुषों से सवाल किया, मैं साथ में बैठा था, ज्ञान मिल गया मुझे बहुत बड़ा। कहने लगे, कैसे पता चले कि फलाने महापुरुष बाजी जीत के गए कि बाजी हार के गए? प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। हम कैसे नापते हैं कि लाखों फॉलोअर्स हैं जिसके, और जिसकी तस्वीरों की पूजा हो रही है वो बड़ा संत? प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। पर महापुरुषों ने इतनी गहरी बात कही उस वक्त, कहने लगे अगर ये जानना है कि संत बाजी जीत के गया कि बाजी हार के गया, बड़ा आसान है। अगर तो उसके मरने के बाद उसकी फोटो तस्वीर की पूजा हो रही है हर घर में, घर घर में फोटो लगी है उसकी, पूजा कर रहे हैं लोग, समझ लो बाजी हार के गया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक। क्योंकि वो शब्द से नहीं जोड़ पाया, अपने आप से जोड़ गया। अगर वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी से जोड़ जाए, बाणी से जोड़ जाए, गुरु से जोड़ जाए, राम जी से जोड़ जाए, कृष्ण जी से जोड़ जाए, गुरु नानक से जोड़ जाए, बीच में से निकल जाए, समझो बाजी जीत गया। प्यार से बोलिए, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। मैं कोई संत भी नहीं, मैं तो कीर्तन या छोटा सा गुरु प्रवान कर ले बहुत बड़ी बात है। तो हाथ जोड़कर बेनती है, हमारे गुरु कौन? मोको तो भरो